बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप वीडियो की तरफ। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को। सबसे पहले मैंने ये सनफ्लावर फ्लावर का जेल, ब्राउन जेल लाइनर लिया है। लाइनर नहीं है ये, अब ब्रो जेल है। ठीक है, इसको मैंने पहले आहिस्ता आहिस्ता से एक लाइन क्रिएट की है, फिर इनको आपस में मिलाते हुए मैंने अपनी आईब्रो सेट कर ली है। ठीक है, और आईब्रो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट नहीं की, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए मैंने इसको फिल अप किया है ताकि मेरी आईब्रो नेचुरल ही लगे। ब्राउन आईब्रो, ब्राउन कलर लिया था, ब्लैक नहीं। उसके बाद मैंने एक स्पूली की मदद से जो प्रोडक्ट बच गया था उसको फिर मैंने आगे अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैंने रिवाज यूके का लिया है कंसीलर, और कंसीलर को मैंने लगाया है अपने ब्रो बोन्स वाले एरिया पे ताकि मैं अपनी आईब्रो अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकूं। इससे ये होता है कि आईब्रो नीड हो जाती है। अगर आपकी आईब्रो नहीं बनी हुई, जैसे यहाँ पे मेरी नहीं बनी हुई, नीड हो जाती है। गाइज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप एक लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो बहुत बुरी बात है। पसीने से देखे कितना बुरा हाल है, पता है आपको गर्मी कितनी है। फिर एक फ्लैट ब्रश लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि मुझे इससे ये होता है कि जो कलर पिगमेंट चाहिए ना जिस कलर का, वो उबर के आता है। कंसीलर लगाने का मकसद ये होता है। और अपने ये जो सर्कल वाले एरिया को मैं कंसील कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एसटी लंदन के कॉम्पैक्ट के साथ सेट किया है। आपको पता आजकल बहुत सख्त गर्मी है तो सेट करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे तो पसीना भी बहुत आता है। लिहाजा आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यानी मैंने इधर मैंने सिर्फ मैट आई शेडो में से ये स्किन कलर पिक किया और अपनी ग्रीस वाले हिस्से पर लगाऊँगी, क्योंकि मुझे आईज़ में डेप्थ चाहिए थी ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर रह के ही आईज़ मेकअप करना है। और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, आपका मेकअप भी गाइज उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने स्किन कलर के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, और हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और एक मैरून कलर मैट आई शेडो से उठाते हुए उसी स्किन कलर के ऊपर लगाया है, ताकि ऐसा फील हो कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर से निकल के आ रहा है, ना कि ये फील हो कि अलग अलग कलर लगाए हुए हैं। ऐसे ना गंदा फील होता है अगर ऐसे फील हो, अलग अलग कलर लगे हों तो। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है ताकि दोनों कलर जो हैं आपस में अच्छी तरह मर्च हो जाएँ, और कोई सा कलर भी ये ना लगे कि अलग हुआ हुआ है। अब मैंने उसी कलर को फिर से बिल्डअप किया। बिल्डअप कहते हैं एक कलर के ऊपर उसी कलर के ऊपर दोबारा लगाना। यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और अपने आउटर कॉर्नर को ब्लैक की डेप्थ देने के लिए मैंने सिर्फ अपने अंदर वाले हिस्से पे अप्लाई करना है, और इसको भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। आप देखते जाएंगे कि मेरी ब्लेंडिंग आपको खुद नज़र आएगी। लगता है आजकल आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग वीडियो नहीं देखते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत गलत बात है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो, मतलब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, ये मैंने अंदर रहते हुए आईज को डेप्थ दी है ब्लैक कलर के साथ। मायो मेकअप में सारी बात है, थोड़ा सा तो लुक अच्छा आना चाहिए, क्योंकि वो ब्राइडल के लिए एक स्पेशल दिन होता है। इस कलर को भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको ख़त्म करूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन बाकी ना रहे। अब मैंने यहाँ पे कंसीलर लेके एक लाइन लगाई है, और कंसीलर से ऊपर की तरफ देखना एक ट्रिक है। ये हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने इतना कंसील करना है। अगर आपका कंसीलर ऊपर लग भी जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में सेट हो जाता है। ठीक है, मैंने अपनी आईज़ कट कर ली हैं। यहाँ पे उसको मैंने एसटी लंदन के पाउडर के साथ ही मैंने सेट कर लिया है, और जो ये मैंने 3D ग्लिटर अप्लाई की है अपने कट क्रीज वाले हिस्से पर। लगाते हुए इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ये ना हो कि ऊपर रखा हो कलर
मेरी तो वेने नज़र आ रही है ना, इसलिए मतलब फील हो रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी इसको भी। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं, माइयों में जाहरी बात है येलो और ग्रीन कलर तो ज़रूर होता है, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर, ये 3D ग्लिटर है ग्रीन कलर का, इसको उठाऊंगी और ब्लैक वाले हिस्से के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। ऐसा फील हो कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर से निकल के आ रहा है, ये ना हो कि एक कलर दूसरा कलर अलग अलग फील हो। अब यहाँ पे देखे मैंने कितने कलर लगाए हैं, कोई भी नहीं बता सकता कि अलग अलग लगाए हैं। ऐसा लगा है जैसे एक कलर से दूसरा कलर निकला हो। मैंने डबल विंग आई लाइनर क्रिएट करना है, इसलिए मैंने वाइट पेंसिल क्रिस्टन की लेके एक लाइन क्रिएट की है। पता नहीं क्यों यहाँ पे फील नहीं हो रही, कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। ये हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है डबल विंग आईलाइनर बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिया है आईलाइनर, इसका नाम शायद भूल गई हूँ, मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप देख लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया, मुझे हैवी लाइनर चाहिए था क्योंकि मैंने लैशेज अप्लाई करनी थी। ब्राइडल के लिए लैशेज अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी लैशेज के बगैर जो आवाम है ना हमारी पाकिस्तान, वो आईज मेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं करती। एक आई लैशेज और एक लेंस के बगैर, लेंस तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाया करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं लगाए। यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर पर लगा के थोड़ी सी लाइन बाहर निकाली थी, वो हिस्सा शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा जो स्टैंड था वो टूट गया था, इसलिए मैंने मोबाइल का कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था। यहाँ पे मैंने अपनी आईबॉल से स्टार्ट करते हुए विंग को बाहर की तरफ निकालूंगी। ये है हमारा डबल विंग लाइनर। अब इसको मैंने थोड़ा सा नीट करना है, अभी मैं नीट करूंगी और नीट करके वापस आऊंगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको नीट कर लिया और पता चल रहा है कि डबल विंग लाइनर लगा हुआ। अगर आप चाहें तो आप इस हिस्से को स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपना मेकअप छोड़ सकते हैं। फिर मैंने मैट पैलेट में से वही कलर ब्राउन कलर पिक किया है और अपनी लोअर लैश पर लगाया है। लगाते हुए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी और इसी के ऊपर येलो कलर लगाऊंगी लाइट सा, ताकि ब्राइडल वाली लुक भी तो आनी चाहिए ना। अब मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टन के वाइट पेन से ली है और इसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैंने येलो कलर 3D ग्लिटर वाला उठाया है और सिर्फ अपने बॉल वाले हिस्से पर लगाऊंगी, सारे हिस्से पर नहीं लगाऊंगी। लगा के इसको ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद ये बोब का मस्कारा लिया है, फेक आई लैशेज लगाने से पहले थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करना ज़रूरी होता है। मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं फेक लैशेज भी अप्लाई कर लूँगी। गोल्ड का यहाँ पे मैंने लिया हाइलाइटर, जो मुझे ये लगाना याद ही नहीं रहा था, इसको वेट करके मैंने लगाया था और इसी को मैंने इनर कॉर्नर पर लगाया है। इनर कॉर्नर पर शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये देखे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मेरी लुक कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, पसीने में बनाती हूँ वीडियो, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।